हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक और यहां पे मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। और आज हम लोग कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। 6 लेक्चर तक हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे आप जाइए और सातों के सातों लेक्चर, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, 7 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। इन सारे लेक्चर्स को आप प्लीज अच्छे से देखिए। फ्यूचर में और भी कंपनी लॉ के वीडियोस आएंगे, इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बार बार मेरे को बोलना ना पड़े। ऑफकोर्स आप लोग समझ सकते हैं, फ्यूचर में वीडियोस आने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज का हमारा ये टॉपिक है, ये डोरमेंट कंपनी। सारा का सारा डेफिनेशंस कवर कर रहे थे तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। कुछ डेफिनेशंस बाकी हैं, वो आज कवर करेंगे। सबसे पहले डोरमेंट कंपनी पे आइए। यहाँ पे देखिए सेक्शन 455, यहाँ पे सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या है इसका। सबसे पहले तो आपको MCQ के लिए प्रिपेयर करना है और जिसके भी सिलेबस में कंपनी लॉ है वो सारे के सारे जन देख सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि वो CA वाला है, CS वाला, CMA वाला, BCOM वाला, कोई मैटर नहीं करता। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब कि कंपनी खोल के रख दिया, बस कंपनी खोल के रख दिया, लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जहाँ पे हो नहीं रहे, जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सच ए कंपनी या इनएक्टिव कंपनी, क्योंकि उसको तो इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे ना, जहाँ पे बैलेंस शीट फाइल नहीं हो रहा है 2 साल से, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जिस कंपनी में हो ही नहीं रहे हैं उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, बस कंपनी खोल के रख दिया है तो उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे, ठीक है। मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार से एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं कि भैया ये कंपनी को डोरमेंट कंपनी बना दो, क्योंकि इसमें कोई हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमारा हो नहीं रहा है, लेकिन बस एसेट होल्ड करने के लिए ये कंपनी मैंने बनाया है। तो ये कंपनी क्या बन जाएगा, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 455, सेक्शन 455। अच्छे से पढ़ो बेटा, देखो समझ में आ गया। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट, मतलब कि फ्यूचर के लिए या तो एसेट होल्ड करने के लिए एक ऐसा कंपनी बना दिए जहां पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, वो कंपनी या वो इनएक्टिव कंपनी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार के पास जाके बोल सकता है कि हमारी कंपनी को डोरमेंट कंपनी आप बना दीजिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। उसके बाद देखिए इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी जो इधर हम लोग पढ़े इसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी देखिए, इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशंस और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो लास्ट के 2 साल से कोई भी बिजनेस नहीं किया या कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, लास्ट के दो साल से जो भी कंपनी टू फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, April 1 से शुरू होता है और March 31 को खत्म हो जाता है, जो April 1 से शुरू होकर March 31 तक खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो टू फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 2 साल तक जिसने भी बिजनेस नहीं किया उस कंपनी में, एक भी बिजनेस नहीं किया, मतलब खरीदा बेची नहीं किया, या तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसको हाईलाइट कीजिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। देखिए ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको ज्वाइन होना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल भी नहीं किया हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसको हम लोग इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं, इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं, ठीक है। वापस से एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको पूरा तरीके से पहला बार में ही समझ में आए, ठीक है।
देखिए इनएक्टिव कंपनी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब। पूरा पोस्टमार्टम चल रहा है, एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड करके समझ रहे हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन अदर देन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? एनी ट्रांजेक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ ए फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्ट्रार। मतलब कि फीस काउंट नहीं होगा इसमें, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में फीस काउंट नहीं होगा। किसका फीस? जो हम लोग रजिस्ट्रार को फीस देते हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होगा। क्या नहीं काउंट होगा सर, वापस बोलिए सर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में पेमेंट ऑफ फीस बाय द टू ए रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार को कोई काम करवाने की जो फीस देते हैं ना, उसमें काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा देखिए, पेमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और अदर लॉ, मतलब कि कोई लॉ या कोई एक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल के लिए जो पैसा दिए हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई लॉ या कोई एक्ट को हम लोग फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट वाला पैसा दिए हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पर ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। तो अगर हम लोग एक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अलॉट कर दिए शेयर्स को, तो वो भी हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अदर देन लिखा हुआ है, देखिए लॉ का भाषा समझिए, ये एमसीक्यू है आपके लिए, लेकिन अदर देन लिखा हुआ है फिर भी समझना जरूरी है। पेमेंट ऑफ ए फीस बाय ए कंपनी टू द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को फीस दे रहे हो तो काउंट नहीं होगा। सेकंड में देखिए, पेमेंट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट अदर देन लॉ, अगर लॉ का कोई रिक्वायरमेंट है और उसके वजह से तुम कुछ पैसा दे रहे हो या कुछ एक्ट का रिक्वायरमेंट है तो भी ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में। थर्ड नंबर देखिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट है इसी के लिए तुम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किए हो तो भी इंक्लूड नहीं होगा। और चौथा नंबर देखो, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस फॉर ऑफिस एंड रिकॉर्ड, मतलब ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए तुमने जो जो खर्चा किया है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या समझे? समझे? चलो निधि कंपनी समझते हैं। अब बोलेंगे सर निधि का नाम का कंपनी भी खुल गया। हाँ, निधि का नाम का कंपनी खुल गया। सेक्शन पढ़ो, नालायक को सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 406। सेक्शन क्या है? सेक्शन 406। अब यहां पे पढ़ो, कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग, मतलब कि कॉस्ट कटिंग का हैबिट बनाना चाहते हैं जो लोग और सेविंग करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग निधि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रिसीविंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू इट मेंबर ओनली फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब क्या किया, एक कंपनी खोल दिया, एक कंपनी खोल के मैं क्या किया, सारे के सारे मेंबर्स जो बने हैं वही लोग पैसा लगाए और वही मेंबर्स में से हम लोग क्या कर दिए, लोन्स दे दिए। उसी के लिए एक कंपनी बनाया जाता है, निधि कंपनी उसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि अपना ही मेंबर को लोन दे दिया और अपना ही मेंबर उधर डिपॉजिट भी कर रहा है, किसी बाहर वाले का कोई इंटरेस्ट इधर नहीं है। अपना ही मेंबर को लोन दे दिए और अपना ही मेंबर इधर डिपॉजिट भी कर रहा है पैसा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं निधि कंपनी। किसका हैबिट है? देखो, हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग, जिसको बोलते हैं थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग, सेविंग का हैबिट रहता है। जैसे हम एक कंपनी, हम निधि कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम जरूरत पड़ने पर उधर से लोन भी ले सकते हैं, वो लोग अपना मेंबर लोगों को ही सिर्फ लोन देता है। समझ गए आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ये सब सेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब पढ़िए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले पढ़िए सेक्शन 2 क्लॉज 72। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज 72 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, एन इंस्टीट्यूशन शॉल बी नोटिफाइड एज द PFI इफ it has established or constitute it has been established or constituted or under any central or state act, matlab ki koi bhi central ya state act ke तहत banaya gaya hai, koi bhi central ya state act ke तहत agar banaya gaya hai to usko kya bolenge, PFI bolenge।
क्या बोलेंगे PFI. PFI का मतलब क्या होता है सर? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कौन से सेक्शन में आता है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 72. यहाँ पे देखिए, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट एक्ट. बी में देखिए, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो 51% अकेला हेल्ड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या तो 51% अकेला हेल्ड कर रहा है, या फिर दोनों मिलके थोड़े थोड़े परसेंट दोनों मिलके, या ऑफ कोर्स मान लीजिए वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर थोड़े थोड़े मिलके सारे जन शेयर्स ले लिए, इसका पूरा का पूरा टोटल होना चाहिए. टोटल कितना होना चाहिए? 51%, तभी वो इंस्टीट्यूशन क्या कहलाएगा? PFI कहलाएगा सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी कहलाएगा. ठीक है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट 51% ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट 51% ले रहा है, तभी तो कहलाया जाएगा. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के भी अगर लेती है ना, तो भी उसको PFI कहलाया जाएगा. मतलब गवर्नमेंट के अंडर 51% रहना चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात? अब प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी. चलो अब आते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. फटाफट इसको पढ़ते हैं और इसको डील करते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, रिजर्व नेम इज फॉर फॉर्म रन, मतलब कि रन फॉर्म को तुमको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा. रन फॉर्म को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा. देखिए, एमसीक्यू पेपर है तो एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव से आप लोग पढ़िए. बिल्कुल देखिए, फाइल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा? फाइल डॉक्यूमेंट्स विद INC 32 में क्या क्या लगता है? देखिए, EMOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. MOA मतलब क्या होता है? देखिए, लिख लीजिए कहीं पे. MOA मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मतलब कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी मतलब क्या हुआ? कंपनी का जन्म कैसे होता है? कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है? कंपनी को फॉर्म करने का प्रोसेस तुमको क्या आसान लगता है? नहीं, बहुत मुश्किल है कंपनी को फॉर्म करना. मतलब कंपनी का जन्म कैसे होता है? देखो, सबसे पहले देखो, कंपनी को फॉर्म करने के लिए पहले तो रिजर्व नेम करना पड़ेगा. पहले नाम खोजोगे ना तुम, इन फॉर्म रन. रन बोल के एक फॉर्म है, उसमें तुम अपना क्या करोगे? कंपनी का दो नाम सेलेक्ट करोगे, टू नेम्स. अगर एक रिजेक्ट हो गया तो दूसरा तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दो नाम तुम एक कंपनी का सजेस्ट करोगे. ठीक है, अगर पहला वाला का कोशिश किया जाएगा, पहला वाला रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरा नाम चूज किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको देने हैं. MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा तुमको. AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सारा का सारा बाहर आउटसाइडर का जितना भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब लिखे हुए रहते हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंदर के इंटरनल मैटर्स लिखे हुए रहते हैं. इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, बायलॉज, सारे के सारे AOA में लिखे रहते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या लगेगा. डिक्लेरेशन बाई ए पर्सन इंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो लोग भी वो कंपनी को फॉर्म करने में इंगेज्ड हैं उनका डिक्लेरेशन लगेगा. एंड पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, मतलब कि जो लोग डायरेक्टर बने हुए हैं, मैनेजर बने हुए हैं, सेक्रेटरी बने हुए हैं, उनका सारा का सारा आर्टिकल्स में नाम चाहिए. ठीक है, तो डिक्लेरेशन चाहिए सबका, लेकिन डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी का क्या चाहिए? आर्टिकल में नाम चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम चाहिए. उसके बाद देखो एफिडेविट. एफिडेविट चाहिए. एफिडेविट होता है ना, एक 10 रुपए का पूरा एग्रीमेंट बनाया जाता है, 20-25, तो अपना देखो एफिडेविट उसी तरह देना पड़ेगा. एफिडेविट फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर एंड पर्सन नेम्ड एज ए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सबसे पहले तो एक सब्सक्राइबर एफिडेविट देगा ही, और जो फर्स्ट डायरेक्टर है ना, जो पहला डायरेक्टर बना हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसका भी एफिडेविट लगेगा. एफिडेविट लगेगा. ठीक है, उसके बाद देखो कोरेस्पोंडेंस और प्रपोज्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी
कहाँ सिचुएटेड है कंपनी, उसका पूरा एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट सब्सक्राइबर, अब देखो कितना परसेंट कौन शेयर एक्वायर कर रहा है, शेयर एक्विजिशन कितना परसेंट कौन, मतलब मैं 1% शेयर एक्वायर कर रहा हूँ, मेरा दोस्त 20% शेयर एक्वायर कर रहा है, इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 50% शेयर एक्वायर कर रहा है, मतलब कौन कितना एक्वाजिशन में है, शेयर एक्वाजिशन वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यूटिलिटी बिल, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन, ये सर्टिफिकेट, एनओसी मतलब क्या हो गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये कंपनी खुल रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर मतलब साइन, ऑफकोर्स साइन, नाम, एड्रेस, पता, हर कुछ, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डायरेक्टर, तो ये सब सारा चीज लगेगा। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर आजकल चलता है ना, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ROC सॉल इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब सारा चीज जमा करने के बाद ROC क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा, तुम्हारा सर्टिफिकेट एक इशू कर देगा, ठीक है। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर, ROC में आस्क फॉर रिसबमिशन, मतलब कि अगर तुम गलती करके आए हो, ये सब सारा अबव जो इंफॉर्मेशन है, अगर तुम कुछ गलती करके आए हो इसका, ऑफकोर्स तब तुमको क्या करना पड़ेगा, ROC को ऑफकोर्स तुमको यहाँ पे रिसबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब सारा डॉक्यूमेंट। कंपनी शैल रिसबमिट विद इन 15 डेज, कंपनी क्या करेगा 15 दिन में तुमको वापस रिसबमिट करना पड़ेगा उसको। जैसे कि ROC को तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स अगर पसंद नहीं आया, फॉल्ट है उसमें, तो ROC बोलेगा कि वापस करके लाओ, और उसको 15 दिन में तुमको जमा देना पड़ेगा वापस से। मैक्सिमम रिसबमिशन इज 3 टाइम्स, मतलब 3 बार का मौका देगा, अगर तुम 3 बार से भी ज्यादा गलती करके आए हो इन सब चीज में, तब तुमको फिर ऑनलाइन नहीं करने देगा, ठीक है, तब ऑफलाइन करना पड़ेगा तुमको। हाउएवर द होल प्रोसेस इज टू बी कंडक्टेड विद इन 30 डेज, मतलब कि विद इन 30 डेज के अंदर में तुमको ये सारा का सारा चीज करना पड़ेगा, तुमको 30 डेज के अंदर में तुमको सारा का सारा चीज करना पड़ेगा। मैक्सिमम रिसबमिशन देख लो 3 टाइम्स है। अब ये सारा का सारा फुल फ्लेज लेक्चर में करवा चुका हूँ तुमको, और बताओ कैसा लगा तुमको। और भी सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर लो, और अपने दोस्तों को उसके साथ बहुत 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 ज्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ना।